आज हम बेबी स्वेटर का सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो पिछले पार्ट में हमने बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद आठ फंदा सीधा बुना और नाइन्थ और टेंथ फंदे को एक साथ लेकर दो का एक किया, फिर आठ फंदा सीधा, फिर दो का एक, फिर आठ फंदा सीधा, फिर दो का एक। इस तरह करते हुए पूरा सभी पल्लों को एक में कर लिया था। तो अब ये हमारा सभी पल्ले एक में हो जाने के बाद से ये हमारा दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड से। तो दूसरी लाइन में हम सभी फंदे सीधे बुनते हुए, हमें सभी फंदा सीधा बुन लेना है, बॉर्डर के फंदे और शेष सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो सभी फंदा सीधा बुन कर मैं आपको दिखाती हूँ। सभी फंदे सीधा बुनते हुए हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। अब हम सभी फंदे सेकेंडरी कलर के उनसे सीधा बुनेंगे, बॉर्डर के फंदे भी और पल्ले के भी फंदे, सभी फंदे हम सेकेंडरी कलर के उनसे सीधा बुनेंगे। तो ये लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और रॉन्ग साइड से बॉर्डर के फंदे सीधा बुनेंगे, दोनों साइड के बॉर्डर के फंदे हम सीधा बुनेंगे और शेष फंदे सभी इसे उल्टा बुनेंगे। सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम दूसरी तरफ में आ गए हैं। अब बॉर्डर के फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम राइट साइड से हैं तो सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे और फिर रॉन्ग साइड से बॉर्डर के फंदे सीधे और शेष फंदे उल्टे बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने इन दो लाइनों में किया है। ऐसा हम 3 बार करेंगे ताकि 6 लाइन हमारा ये बन जाए। तो 6 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन कंप्लीट हो गया है और ये 7वां लाइन है। तो बॉर्डर के सभी फंदे हम सीधा बना लेंगे। तो बॉर्डर के फंदे सीधा बुनने के बाद हम 6 फंदा सीधा बुनेंगे। 6 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर 6 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। यानी कि हमें 6 6 फंदों को सीधा बुनना है, फिर 7वें 8वें फंदे को एक साथ लेना है, उसे 2 का 1 कर लेना है, फिर 6 फंदे सीधा बुनना है, फिर 2 फंदों को एक साथ लेना है, 2 का 1 करना है, फिर 6 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 करना है। इसी तरह हमें पूरी लाइन कंप्लीट करना है। 6 फंदे सीधा बुनते हुए और 7वें और 8वें फंदे को 2 का 1 करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है और हम बॉर्डर के पास आ गए हैं। तो बॉर्डर के 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे बचे हैं उन्हें हम सीधा बुना लेंगे, 1 2 3। फिर दूसरी साइड से, रॉन्ग साइड से, फिर पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा। और ये हमारा जाली है यानी कि बटन होल, इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे,
और शेष सभी फंदा उल्टा बुनते हुए हम दूसरे बॉर्डर पे आ जाएंगे। बॉर्डर के फंदे सीधे बना लेंगे। अब फिर हमें 6 लाइन प्लेन बुनना है। आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे बॉर्डर को छोड़ के। तो फिर मैं 6 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 लाइन कंप्लीट हो गया है और ये 7वां लाइन है और यहाँ से ये 15वां लाइन। तो इस लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर से बॉर्डर के सभी फंदे सीधे बना लेंगे। उसके बाद 6 फंदा सीधा, 6 फंदा सीधा बुनने के बाद 7वें और 8वें फंदे को एक साथ लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। फिर 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक कर लेंगे। फिर 6 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 का एक कर लेंगे। तो इसी तरह 6 फंदा सीधा बुनते हुए और 7वें और 8वें फंदे को एक साथ बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे सीधा बुनते हुए दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। सभी फंदे सीधा बुनते हुए हम फिर राइट साइड में आ गए हैं। अब हम अपने सेकेंडरी कलर से 6 लाइन प्लेन बनाएंगे, सामने से सीधा और पीछे से उल्टा, और बॉर्डर के फंदे दोनों साइड से सीधे बनाए जाएंगे। तो 6 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन कंप्लीट हो गया है। 3 उल्टे फंदों की धारियाँ यहाँ पे आ गई हैं। तो अब ये 7वां लाइन है, तो बॉर्डर के सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। उसके बाद 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक कर लेंगे। इस तरह चार फंदा सीधा बुनते हुए और 5वें और 6ठे फंदे को एक साथ लेकर सीधा बुनते हुए, यानी यहाँ पे हम एक फंदा घटा रहे हैं, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे। इस तरह 4 फंदा सीधा बुनते हुए फिर 2 फंदों को एक साथ लेके सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे, बॉर्डर के फंदे दोनों साइड से सीधे बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब हमें सेकेंडरी कलर का कोई काम नहीं है, तो इसे काट लेंगे और बांध लेंगे। और अब प्राइमरी कलर से बॉर्डर के सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। बॉर्डर के सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। बॉर्डर के सभी फंदे सीधे बना लिए गए हैं। अब हम 2 फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो 2-2 फंदों को हम एक साथ लेते जाएंगे और 2 का एक करते चले जाएंगे।
दो फंदों को लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट दो फंदों को लिया, एक सीधा फंदा बनाया। तो इस तरह हम सारे फंदे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो दो फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुनते हुए सभी फंदे कंप्लीट कर लिए गए हैं और लास्ट के सात फंदे बॉर्डर के रहेंगे, तो उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। बॉर्डर को के फंदों को हमें एज इट इज बुनना है, उनमें हमें किसी तरह की उन्हें हमें दो का एक नहीं करना है, उसको एज इट इज बुनना है। और फिर रॉन्ग साइड से पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये हमारा बॉर्डर चल रहा है तो इसमें हमें सिर्फ सीधा सीधा बनाना है, बस हमें या एक बटन होल बनाना होगा। लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सीधा बुनते हुए हमने थर्ड लाइन कंप्लीट कर लिया है, बॉर्डर का थर्ड लाइन कंप्लीट कर लिया है। और अब ये फंदे के बटन पट्टी के सात फंदे बचे हुए हैं, तो दो फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे, और अब उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे बचे हैं उन्हें हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हम बटन होल बना रहे हैं। पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जाली डाला था, यहाँ पे ये बटन होल बन गया और शेष फंदे हम सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे दोनों ओर से सीधा सीधा बुनते हुए सात लाइन कंप्लीट हो गया है, बॉर्डर का सात लाइन कंप्लीट हो गया है और ये आठवां लाइन है। तो आठवें लाइन में हम इसे क्लोज कर देंगे। तो इसके लिए दो फंदा हम बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, एक एक फंदा बुनते जाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पे चढ़ाते जाएंगे। तो देखिए हमारा फंदा ये क्लोज होना शुरू हो गया है। ये हमारा फंदा क्लोज हो रहा है। और दूसरी विधि ये है कि इस दाहिने वाले फंदे को भी बाएं सिलाई में से चढ़ा देंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लें। दाहिने वाले फंदे को भी बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए। तो इन दो विधियों में से आपको जो भी सूटेबल लगता हो, आप उस विधि से फंदे घटा सकते हैं। तो सारे फंदे मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के सभी 60 फंदों को मैंने घटा दिया है और स्वेटर कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब हमें इन धागों को अंदर कर लेना है, सिलाई करना है और लगा देना है। तो चलिए हम सिलाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तीन तीन फंदे घटाए थे, ये चारों तरफ ये हमने तीन तीन फंदे घटाए थे। तो इन्हें पहले आपस में ऐसे जॉइंट करना है, इन दोनों पल्लों को ऐसे आपस में जॉइंट करना है। तो इसके लिए यहाँ सुई डालेंगे,
देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हो चुकी है, बटन लग चुका है और स्वेटर बनके तैयार है। तो स्वेटर आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।